हिंदुस्तान में वैज्ञानिक रिसर्च को बढ़ावा देने की ये वो पहल है जो आने वाले समय में साइंस की दुनिया में हिंदुस्तानी टैलेंट के लिए लीडरशिप का रास्ता खोलने की चाबी साबित होने वाला है। चेन्नई के पन्नी मलर इंजीनियरिंग कॉलेज में साइंस बाजार के आयोजन में दुनिया भर से बड़ी शख्सियतें जुटी तो चर्चा के केंद्र में यही बड़ी संभावना थी। इंडिया का पहला टाइम इतना इन्वेंशंस बाजार में आ गई। ये साइंस बाजार का पहला काम है हमारा चिल्ड्रंस का इन्वेंशंस क्या है उसका देखने चाहिए, उसका पेटेंट सपोर्ट और उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो लेने के लिए ये बाजार का मुलाकात हो गया। 800 पहला इन्वेंशंस अभी आ गए ये साइंस बाजार में। चेन्नई के पन्नी मलर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में साइंस बाजार का आयोजन वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव की ओर से किया गया है, जिसकी स्थापना खास तौर से वैज्ञानिक आविष्कारों के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए की गई है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव के संस्थापक चेयरमैन और ई के क्रोएडर के इंटरनेशनल एम्बेसडर अब्दुल बासित सईद साइंस बाजार में शिरकत करने के लिए खुद पन्नी मलर इंजीनियरिंग कॉलेज में मौजूद थे। साइंस बाजार में तमिलनाडु के 2500 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 844 टीमें हैं जो 498 नए आइडियाज को पेश कर रही हैं, जो आने वाले वक्त में दुनिया की तस्वीर बदलने का मादा रखती हैं। जब फ्लिपकार्ट आया तो वो लॉस में चल रहे थे, लेकिन इनोवेशन बढ़ता रहा। फिर वॉलमार्ट ने उन्हें खरीद लिया, तो वॉलमार्ट ने जब उन्हें खरीदा तो उनके पास बहुत पैसा आया, जिसमें इंडिया के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पर आया। हर साल हर बच्चा ऐसा टैलेंट पेश करें तो बहुत अच्छा आउटपुट निकल कर आएगा, जो कि ह्यूमन बीइंग्स में बहुत अच्छे वैल्यू प्रदर्शन करेगा, जो वर्ल्ड मार्केट के लिए सही रहेगा। इस आयोजन में उन्हें ये जानकारी भी दी गई कि कैसे वो अपने इनोवेटिव आइडियाज को हकीकत में बदल सकते हैं और कैसे सरकार ने स्टार्टअप प्रोजेक्ट के तहत इसके लिए मदद का रास्ता खोल रखा है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव की ओर से पन्नी मलर इंजीनियरिंग कॉलेज में हो रहे इस दो दिन के अनूठे आयोजन में मलेशिया के काउंसल जनरल सर्वानंद कर्थिहायन, रशियन सेंटर फॉर साइंस एंड कल्चर के डायरेक्टर गोनादी रोगलेव, इंग्लैंड के प्लाईमाउथ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और ब्रॉडलीने ग्रुप्स ऑफ कंपनीज के संस्थापक डॉक्टर एम आर मुगम खास तौर से शामिल हुए। इस मौके पर पन्नी मलर इंजीनियरिंग कॉलेज ने वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव की मदद से एक प्लेटफॉर्म बनाने का भी ऐलान किया, जिसकी मदद से साइंस रिसर्च से जुड़े छात्र अपने आइडियाज को जमीन पर उतार सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।